Hello, I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru award-winning author of the book, You Are the Celebrity, How to Become Famous, available on Amazon. I am the marathon man who ran not one, not two, not three, but four marathons by God's grace and your blessings. First marathon in 1 year, last marathon in 2 weeks. Next marathon I am running by December 31st, 2018 in 1 week. I am the Himalaya Guru who is climbing the Everest, the Himalayas by December 31st, 2020. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalaya Guru can climb, so can you. Life is the movie. You are the celebrity. Life is the marathon. You are the marathoner. हाँ जी, हम दुनिया के बेहतरीन से कंट्री, हिंदुस्तान के बेहतरीन से राज्य गुजरात, जिन्होंने दुनिया को गांधी, महात्मा गांधी दिया, वहाँ वही राज्य के छोटे से गांव जुलासन, जिन्होंने दुनिया को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स दिया, वहाँ की हम पैदाइशी हैं। आधी जिंदगी हम इंडिया में रहे, इंडिया में हमने मेडिसिन का स्टडी किया, फाइनल ईयर की एक एग्जाम मेडिसिन की क्लियर करने के बाद हम कनाडा आए, जो बचपन का ड्रीम था नॉर्थ अमेरिका में आने का। हाँ जी, सो आधी जिंदगी ऑलमोस्ट कनाडा में है। हाँ जी, तो आपके कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मगर पहले हम रेहान अल्लाह वाला भाई का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उनके इस पेज पे आए, और आप जैसे अबाउट 600,000 इस फेसबुक पेज पे सेलिब्रिटी फैन है, व्यूअर है, उनसे गुफ्तगु करें। हाँ जी, आज मैं कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ, मगर मीनवाइल सेंड लॉट्स ऑफ हार्ट्स, वाउज एंड लाइक्स। इस जमाने में, इस सोशल मीडिया के दौर में, बहुत सारे लोग इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बातें लिखते हैं, वही बातें स्टेज पर शेयर करना भी चाहते हैं। वो एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, बीइंग योर ओन बॉस रादर देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स एंड फुलफिलिंग समबडी एल्स ड्रीम्स। हाँ जी, सही बात है। हाँ, मगर क्या होता है कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है, यू नो, चैरिटी भी बहुत सारी करने की इच्छा होती है उनकी, राइट, अपने फैमिली का भी टेक केयर करना चाहते हैं, बड़ा होकर शादी बनाना चाहते हैं, शादी बनाई तो आज बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उनके गोल्स होते हैं। मगर पर्सन आप एक हो, लिमिटेड आपका लाइफ स्पान है, डिपेंड्स ऑन योर लाइफ के कौन से मोड पे हो, डिपेंड्स ऑन दैट आपकी एनर्जी होती है, तो अपनी वो एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, फोकस कीजिए। देखो, आप छोटे होंगे तो आप स्कूल में गए होंगे, आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया होगा, इसके बाद कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, प्रोफेसर होंगे, मगर जब वो ही आप यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आते हो, जिंदगी जीने की शुरुआत इसके बाद करते हो, स्टूडेंट लाइफ के बाद, तब आपके पास कोई मेंटर नहीं होता है, मेनली कोच नहीं होते हैं। और दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स टीम ले लो, सभी स्पोर्ट्स टीम में कोच होते हैं, मेंटर्स होते हैं, राइट,
क्यों क्यों स्पोर्ट्समैन ने पूरी ज़िंदगी माना, लेट्स से धोनी और सचिन तेंदुलकर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी माना, बचपन से बैट पकड़ा था, पूरी ज़िंदगी वो क्रिकेट खेलते रहे, क्यों उनको कोच चाहिए? बिकॉज दे न्यू राइट कोच की अहमियत क्या होती है। डजंट मैटर कोई भी बड़ा से बड़ा सिंगर हो, मगर म्यूजिक डायरेक्टर उनको चाहिए कि भाई राइट ऐसे ऐसे करे, हाथ ऊपर नीचे करे, करे वो करे राइट एंड तब मेलोडी बनती है। जब लोग टीम बनती है, टीम वर्क होता है, तब माना रियल म्यूजिक रियल मेलोडी होती है राइट तो आप भी अपने लाइफ में रियल कोच ढूंढिए। आपके पास किसी फील्ड की एक्सपर्टीज है तो आप कोच बनिए और लोगों को राह बताएं राइट तो एक बात है। एंड डोंट पुट योर ईगो इन बिटवीन टू हायर समबडी एज योर कोच, और यू शुड पे द कोच योर मेंटर। हाँ, बिकॉज जब आप फ्री में वो एडवाइस देते हो ना, 99% आप उसे अहमियत इतनी नहीं देते हो कि भाई ये बंदा तो फ्री में शेयर कर रहा है तो, मगर जब उसको आप मनी पे करते हो, अपनी हार्ड अर्न मनी पे करते हो, देन आप टेक इट सीरियसली, लेने के चांस है, आप उसे सीरियस लेने के चांसेस बढ़ते हैं। अल्लाह की बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि जो अपने मेंटर का कोचिज का प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद रिलीजियसली उसे फॉलो नहीं करते हैं राइट रिलीजियसली उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इस लाइक सचिन तेंदुलकर को आप हायर करो अपना कोच कि कैसे क्रिकेट खेली जाए, और उसकी एडवाइस ना लो आप अपने तरीके से क्रिकेट खेलो, तो किसकी बोले? आप मनी भी दे रहे हो और सुनते भी नहीं हो और अपनी वाली चला रहे हो राइट तो ये बात है। दूसरा कि यू शुड चार्ज मनी, बिकॉज अगेन जब आप मुफ्त में देते हो एडवाइज और वो सब, अगेन लोग लाइटली लेंगे, और जब आप चार्जिंग मनी करोगे तो आप भी उसे सीरियसली मोर लोगे, बिकॉज आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि कोई बंदा आपको मनी पे कर रहा है उसकी लाइफ बनाने के लिए और उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम फुलफिल करने के लिए, तो आप माना और प्रिपेयर करोगे अपने आप को किसी को हेल्प करने के लिए कि जो सामने से आपको पे कर रहा है। बट देयर्स अ गुड डेट राइट बहुत सारे डेट होते हैं कि जो बैड डेट होते हैं मगर ये है गुड डेट है कि आप कोच हायर करते हो राइट मेंटर हायर करते हो। दूसरा कि बहुत सारे लोग आप होते हैं ना, वो टॉक एंड टॉक एंड टॉक एंड टॉक एंड टॉक, सुने यार सुने सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसके दिल की सुने राइट यू नेवर नो बाय जीपिंग योर माउथ एंड लिसनिंग नॉट हियरिंग लिसनिंग यू कैन चेंज योर लाइफ। यू नेवर नो किसी ने कही हुई एक बात आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग हार्ट्स। यस दूसरे दोस्त भी हार्ट्स वाउचर लाइक्स भेज सकते हैं। दूसरा कि यार आपके पास बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन है, एप्पल का होगा, सैमसंग का होगा, आप इंटरनेट पे हो, वाईफाई पे हो, तो यार फेसबुक को मल्टी ट्रिलियन डॉलर बिजनेस की तरह ट्रीट करें और फेसबुक लाइव कीजिए, फेसबुक इंटरव्यू कीजिए। अगेन वही मसला कि भाई यार फेसबुक चार्ज नहीं करता है आपको कुछ मनी, सो यू आर टेकिंग इट ग्रांटेड। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो फेसबुक लाइव नहीं करते हैं, फेसबुक इंटरव्यू नहीं करते हैं, और सोशल मीडिया को अपना मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड ऐसा नहीं बनाते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये बात है। और आज रेहान अल्लाह वाला ने बहुत अच्छी बात की पोस्ट लिखी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं, हमें पढ़ने के लिए इनक्रेज करते हैं, स्कूल में कॉलेज में भेजते हैं। तो नाउ अब पे बैक करने का टाइम आ गया है, हम हमारे पेरेंट्स को सोशल मीडिया से अवेयर करें इफ जो वो सोशल मीडिया पे नहीं हो तो, राइट? सही बात है तौसीन भाई। हाँ, मगर मेरा जब से बेटा पैदा हुआ 2003 से, तब से मैंने नाइट जॉब शुरू किया है, वरना इसके पहले मेरी लाइफ में कभी मैंने नाइट जॉब किया है। मगर अगेन देखो, मैं जॉब करता हूँ। देखो अब पूरा मैं बताता हूँ, मेरा यूनिफॉर्म है, सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ टोरंटो में, राइट? मगर आई लव टू इंस्पायर, आई लव टू मोटिवेट, आई लव टू कोच, आई लव टू गाइड। दैट्स व्हाई यू नो, देखो पूरा नाइट का सीन है, पूरा बिल्डिंग है अबाउट 10 माले ऊपर है, 2 माले नीचे है, एक्चुअली 11 10th फ्लोर है, इसके बाद वो पेंट हाउस है और 2 बेसमेंट है, सो बेसिकली 13th फ्लोर है। पूरे बिल्डिंग में मैं अकेला हूँ, राइट? एंड आई एम मेकिंग मनी वाइल टॉकिंग टू यू, राइट? मगर आई डोंट रिकमेंड, ओके, आपका आप जॉब पे हो और यू नो यू नेवर नो, राइट? मगर मेरे को लाइक चलो यार यहाँ से निकल जाऊँगा तो मैं और ढूंढ लूँगा, ऐसा हम मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, राइट? मगर अगेन आई नीड सम कंटिन्यूस मनी सो आई कैन डू व्हाट आई लव टू डू, आई कैन फॉलो माय पैशन, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, राइट? कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता है, ऐसा शाहरुख खान ने रईस मूवी में बढ़िया डायलॉग बोला था। तो ये बात है, ओके? हाँ जी, ओके। सो ये बात है। दूसरा है कि यार, हाँ देखो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हार्ट्स बहुत लाइक भेज रहे, इंटरेक्ट करिए। जब आप फेसबुक लाइव कर रहे हो तो, या हालांकि आप अपने फ़ोन से बात कर रहे होते हो, मगर आप ऐसा फील करें कि आप यू नो 100,000 लोगों के सामने बात कर रहे हो। इवन दो लाइक राइट नाउ 18 पीपल आर वॉचिंग मी, हाँ ओके, मगर इस पेज पे अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 700,000 लोग है, मगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे सामने वो 700,000 लोग है, उनके सामने मैं अपना दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो ये बात है। हाँ, बिगनिंग में शुरू करोगे तो यू नो कोई भी आपको दिखने वाला नहीं होगा इसके बाद, मगर यू कीप कंटिन्यू, कीप ऑन डूइंग यू नो एवरी डे मिनिमम एक कर फेसबुक लाइव, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट? आप यू आर योर ओन बॉस, यू आप अपने लाइफ को कंट्रोल करें, वरना कोई आपको लाइफ कंट्रोल करेगा, राइट? सो यू कंट्रोल योर लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। हाँ जी, बिकॉज एक जिंदगी है, यू नेवर नो, आज सोने जाओगे कल उठोगे कि नहीं, यू नेवर नो। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मगर रियलिटी बता रहा हूँ। यस, 23 जनवरी की नाइट को मेरी मदर सोने गई 2001 में, और 24 जनवरी 2001 को जगी नहीं, उठ ना सकी, सोते सोते ही नींद में हार्ट अटैक से गुजर गई। ये मेरे मदर के साथ हो सकता है तो किसी के साथ दुनिया में हो सकता है। अगेन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आपकी अहमियत बता रहा हूँ कि यू आर द स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर क्या पड़ा है। अल्लाह ताला ने, भगवान ने, जीसस ने, बुद्ध ने, भगवान जैन ने, जो जिसको भी आप मानते हो, उसने आप में जो ढूंढ रहे हो बाहर, वो आपके अंदर फुट फुट के दिया है, फुट फुट के इतना सारा दिया है, इतना सारा धनी बनाया है। मगर क्या होता है कि मेनली 99% हम
लुकिंग फॉर बाहर, वी आर लुकिंग फॉर आउटसाइड, बाहर ढूंढ रहे होते हैं कि बाहर से कोई हमें पीस मिले, बाहर से हमें सुख मिले। जो सुख पीस आप ढूंढ रहे हो ना, वो सुख का दरिया, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू। अपने अंदर गोता मारिए। जान हबीब, सो आर यू, आप ग्रेट पर्सन हो। यस रेहान अलावला भाई, यू ग्रेट पर्सन, आप भी ग्रेट पर्सन हो। ओके अमीन सेड, इज दैट राइट, यू आर डूइंग लाइव वीडियो इन ड्यूटी आवर्स। यस अमीन, दैट्स टोटली राइट, आई एम डूइंग लाइव वीडियोज ड्यूरिंग माई ड्यूटी आवर्स। बट ये सिक्योरिटी का, अगेन आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, मगर मेरा इतना प्यार है आपसे बात करने का कि यार रात के अभी कितने बजे है आपको बताऊँ मैं? रात को 12:46 हुए है, फिर भी आपके साथ हूँ, राइट? हाँ जी। और मैंने अपना ड्यूटी भी करता हूँ, लाइक जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल करता हूँ, पेट्रोल के बाद जो टाइम बचता है उनसे उस टाइम में शेयर करता हूँ, राइट? व्हाट डज डी आर स्टैंड फॉर? डी आर स्टैंड फॉर डॉक्टर। ब्रदर, आई स्टडी मेडिसिन इन इंडिया, आई स्टडीड होम्योपैथी इन कैनेडा, दैट्स वाई डी आर केम। एंड डी आर लिखने से पहले मेरे को बहुत टाइम लगा कि भाई दुनिया के साथ मैं डी आर बोलने लगा, राइट? मैंने बोला कि यार मैंने मेडिकल कॉलेज में 8 अब मेरे ज़िंदगी के दिए हैं, होम्योपैथी में भी बहुत सारे, यू नो 2001 में अब मैंने होम्योपैथी का डिग्री लिया, सो अभी वो 17 प्लस से मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस अपने तौर से कर रहा हूँ। फिर भी मैं डॉक्टर लिखने से, दुनिया के साथ डॉक्टर बोलने से इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, मगर थैंक गुडनेस मेरे को मेरे मेंटर मिले, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा बुक आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अंडरस्टैंड समझा, मैं समझा कि ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अपने आप को डोंट सेल शॉर्ट, अपने आप को बेइज्जत मत करो। लोग भी इज्जत करें इसके पहले आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे होते हो, तो अपने आप को ऐसा मत करो। आपके अंदर क्या है आपको मालूम नहीं है, पर आपको मालूम है देन स्टार्ट लिविंग इट बिफोर अल्लाह ताला अपने पास ले जाए। ओके हमाद करीम ने बोला हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। ओके हमाद करीम भाई ने ओ वाव लिखा, ओ वाव बोलते हैं, या वही है, देखो सीक्रेट वही है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोमिसज यू मेक एंड द प्रोमिस यू कीप। जो प्रोमिस आप देते हो दुनिया के साथ और उसे निभाते हो, वो ब्रांडिंग है। एंड मोर पीपल से वाव अबाउट यू, मोर पीपल से वाव अबाउट योर थॉट्स और अबाउट योर विजडम, दैट मीन्स यू आर ब्रांडेड मोर एंड मोर, राइट? अभी देखो लाइक यू नो हमद भाई ने देख लिखा वाव, ओ वाव, दैट मीन्स इवन मोर देन वाव, ओ वाव मीन्स दैट मीन्स डबल वाव और डबल ओ, ओ राइट? तो ये बात है। आसिफ भाई ने लिखा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके जान हबीब, रेहान अल्लाह वाला, यू ग्रेट पर्सन। हाँ जी, हम रेहान अल्लाह वाला नहीं हूँ, हम डॉक्टर पी 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 है, डॉक्टर प्रवीण पी पटेल। पी 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 स्टैंड फॉर प्रवीण पी पटेल। अगेन इसका भी एक स्टोरी है, मैं कनाडा में 1994 में आया था, 94 में शादी बनाया था और 96 में आया था, 23 जुलाई 96 में। तो तब मैं आया तो इंडिया में जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि भाई मैं प्रवीण कुमार प्रहलाद भाई पटेल हूँ, तो यहाँ के भी वो कहने लगा, तो लोगों के ऊपर से जाने लगा क्या बोल रहा है बंदा, राइट? इसके बाद मैंने लोग बोले कि भाई यार मिडल नेम को निकाल दो, तो मैंने प्रवीण कुमार पी पटेल बोलने लगा, फिर भी यार ऊपर से जाने लगा। इसके बाद पी को भी, मिडल वाला पी को भी निकाला वो बोलने के लिए, हालांकि मेरे फादर नॉट ओनली माई फादर गॉड फादर है। मैंने बोला प्रवीण कुमार पटेल, फिर भी लोगों को ऊपर से जाने लगा। मैंने बोला प्रवीण पटेल, कुमार का भी शॉर्ट कट छोड़ दिया, प्रवीण पटेल, प्रवीण पी पटेल, प्रवीण पटेल हो गया। फिर भी यार लोगों के प्रवीण बोलने लगा, फिर भी यार लोगों को समझ में नहीं आया, राइट? इसके बाद मैंने बोला ओके
I study medicine in India. I study homeopathy in Canada. So doctor. And Praveen Kapilia, last name Patel Kapilia, or my father ka Prahlad Bhai Kapilia. So doctor PPP. राइट एंड एक दफ़ा मैंने ऐसे बोलना शुरू किया, अपने आप को ऐसे ब्रांडिंग शुरू कर दिया. नाउ एवरीबॉडी टेक टेक इट इजी माई नेम, यू नो, लाइक नॉट टेक इट इजी, मैं लाइक यू नो सीरियसली लेते हैं मेरे को, मेरे नाम को. मेरे नाम को बहुत लोग भूलते नहीं है इजीली. और इसके बाद कॉन्वर्सेशन शुरू होता है कि ओ डॉक्टर पी पी पी, ओके व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर आर यू, और पी 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 व्हाट डू मीन बाय दैट, आई नेवर हर्ड लाइक दैट पी पी पी, राइट. Is that PPP doing washroom thing, PPP, right, or something. So yeah, then I have a more chance to communicate, and communication equals intimacy, communication equals money, right. You know, it's all about communication. Apne spouse ke saath, apne parents ke saath communication, apne you know kids ke saath, bete betiyon ke saath, you know, apne ब्रदर्स के साथ, यू नो मदर के साथ. सो कम्युनिकेशन, ऑल इज अबाउट कम्युनिकेशन, अपने टीचर के साथ, अपने कोचेस के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, स्ट्रेंजर के साथ, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. मैंने मेरे मेंटर है रेमंड एरन, जो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और वो नॉर्थ पोल पे गए थे एज 62 पे. अभी राइट नाउ इज 73, राइट. हाँ तो ओके, व्हाई ब्रांड नेम बिकम फेमस. ओके सरफराज भाई ने बोला, देखो यार, लेट्स नाइकी, नाइकी मेनली चलो चाइना से बनता है, राइट, मगर वो लोगो आ जाता है नाइकी का, देन पीपल पे लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, राइट. दैट हाउ ब्रांड वर्क्स. ब्रांडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग इन द स्पिरिचुअल यूनिवर्स. देखो यार, एप्पल एंड सैमसंग बोथ आर अमेजिंग स्मार्टफोन्स, राइट, मगर जब एप्पल का नया फोन आता है तो लोग लाइन लगा देते हैं, लेकिन नो लेट्स से न्यूयॉर्क का वो टाइम्स स्क्वायर है और वहाँ पे वो एप्पल की समवेयर दुकान है, तो लाइक एक बंदा एक एक वीक पूरा यू नो वेट कर रहा है, लाइन में खड़ा रहता है कि भाई पहला मैं बंदा बनूंगी जिसको एप्पल का फ़ोन हाथ में आए, और जो भी माना अपना वो इमोशनल कनेक्शन है, राइट. तो ये सब बात है यार, राइट. देखो गांधी, सो गांधी, महात्मा गांधी जी की आप बात करोगे तो आपको ट्रूथ आएगा, नॉन वायलेंस आएगा आपके दिमाग में, आपको फ्रीडम देने वाले आएंगे, वो उनके एनक, वो ग्लासेस, वो यू नो राउंड राउंड ग्लासेस थे वो आएंगे, वो लाठी रखते थे वो लाठी याद आएगी, वो वाइट पहनते थे और एक ही क्लोथ पहनते थे अपने वो प्राइवेट पार्ट्स को यू नो ढकने, राइट. सो वो भी ब्रांडिंग है, वो भी ब्रांडिंग है, राइट. तो यह बात है, लाइक लोग बुक्स लिखते हैं क्यों, अगेन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, राइटिंग द बुक, बीइंग द ऑथर इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू ब्रांड योर सेल्फ. हाँ जी, सबसे आसान तरीका है कंपेयर टू लाइक यू नो नोबल नॉमिनीज विन करना, कंपेयर टू लेट्स से ओलंपिक मेडल लाना, यू नो वो सब कंपेयर से लाइक बुक लिखना, या बिकॉज यू नो लाइक अपनी आप अपना आइडिया जब शेयर करते हैं, जो अपने दिल से आप मानते हैं, दिमाग से आप मानते हैं, वो शेयर करते हैं, जो आप जानते हैं वो शेयर करते हैं, राइट. हाँ तो या ओके जमीर भाई, ओ माय गॉड यार, एक्सेंट इज सो स्वीट, ओ माय गॉड, स्टोल माय हार्ट, स्टोल माय हार्ट. हाँ अभी भी मैं 22 साल कनाडा में रहा हूँ, मगर फिर भी जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, या पीपल सेंस इट बाय एक्शन, यू नो, या एक्सेंट, एंड एक्सेंट को यहाँ पे वैसे यू नो लाइक जो वाइट लोग होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, मेनली निगेटिव लेते हैं कि भाई ये बंदे को एक्सेंट है, इतने साल का नाम रहता है फिर भी एक्सेंट है, मगर आई एम प्राउड ऑफ माई एक्सेंट. हाँ जी, मैं प्राउड हूँ कि मैं साउथ एशियन हूँ, मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं प्राउड हूँ, मैं प्राउड हूँ कि भाई मेरे सबसे ज़्यादा फेसबुक पे दोस्त पाकिस्तान से है. मैं प्राउड हूँ कि वो 17 साल पहले वो मेरे ही लाइक यू नो हिंदुस्तानी थे, राइट. जैसे भाई बड़े होते हैं अलग रहते हैं, वैसे देश बड़े होते हैं अलग होते हैं, तो वैसे 17 साल पहले यू नो हमारे लीडर ने डिसाइड किया दो अलग कंट्री बनाए बनाए, चलो जो भी वो दौर था, राइट. हाँ जी,
Okay, where are you now, sir? Jameer, I'm in Toronto, Canada, for like since 1996, about 22 years. It's July ko, 23rd ko, exactly. I'm celebrating 22nd anniversary in Canada. वाह में और मेरा सपना था अमेरिका में आने का. बचपन से मेरा सपना था अमेरिका आने का. आई नो आई एंड अप इन कनाडा. जब मेरे शादी की कार्ड देखे तब उसमें कनाडा लिखा था कि भाई यू नो लाइक डॉक्टर पीपीपी इज गोइंग टू मैरिड, यू नो द ब्राइड इज फ्रॉम लिविंग इन कनाडा. तब मैंने मेरे फादर को पूछा कि कनाडा क्या है. तब यू नो 23 एज की साल में मेरे को मालूम हुआ कि कनाडा नाम का एक कंट्री है. बिकॉज आई वॉज सो क्रिस्टल क्लियर एंड आई फोकस लाइक अमेरिका 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 अमेरिका. मैं पढ़ने के बाद अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका से मेरे इंडियन गुजराती लड़की आएगी और मेरे को अपने देश में ले जाएंगे. हाँ, सपने देखो, वाइल्ड सपने देखो यार, वाइल्ड सपने देखो. ऐसे सपने देखो कि जो आपको बच्चे की तरह हंसाए हो, और ऐसे सपने देखो कि आपको बच्चे आपका सपना जो आपको बच्चे की तरह हंसाए नहीं और बच्चे की तरह रुलाए नहीं. देन फाइंड आउट योर ड्रीम, रियल ड्रीम. ओके जी, ओके. जमीर सईद, ओके. यू शुड लर्न फ्रॉम, ओके. क्या बोले भाई, वेर आर यू नाउ? ओके, जान हबीब सेड यू शुड लर्न फ्रॉम हिम. ओके, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू टू. एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल शो. एब्सोल्युटली जान भाई, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल शो. एब्सोल्युटली, हम दिल से बात करते हैं, इसलिए आप बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इसी. राइट, व्हाट पर्पज बिहाइंड डीमोटिवेशन. बढ़िया है. देखो यार, हम खाना अबाउट 3 दफ़ा खाते हैं दिन में, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर. व्हाट पर्पज हम खाते हैं ना, और ब्रेकफास्ट किया है क्यों, हम लंच खाते हैं क्यों, हम डिनर खाते हैं. जैसे बॉडी है, बॉडी को फूड चाहिए, ऐसे ही हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, उनको मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए. और लाइफ है, हम जी रहे हैं, लाइफ है. देखो अपने हार्ट का वो ग्राफ, ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो देखेंगे आप जिंदा आदमी का, तो अप्स एंड डाउन ऐसे ऊपर नीचे आएगा. बट यह समाना वो ग्राफ बनेगा, मगर जिस दिन वो फ्लैट हो जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, दैट मीन्स यू आर नो मोर. राम बोलो भाई राम, आप अल्लाह के पास पहुँच गए हैं. जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप जीसस के पास पहुंच गए हैं, आपने जो अच्छे कर्म किए होते तो. राइट, सो वही है. सो लाइफ इज लाइक दैट, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन. हाँ, हालांकि वो स्थित प्रज्ञा की बात की है, द होली हिंदुइज्म की होली बुक है, द भगवद गीता, द गीता. उसमें मैसेंजर कृष्णा ने मे बी पीस अपॉन हिम, राइट, तो उसमें कहा है कि आपको स्थित प्रज्ञा होना है. प्रज्ञा माना बुद्धि, स्थित माना वो स्टेबल. राइट, आपको स्टेबल बुद्धि वाला बनना है कि आपको माना इतना वो लाइफ में सुख मिले, हैप्पीनेस मिले, तो इतना कुद भी जाना नहीं है, और लाइफ में सोरो आए, दुख आए, तो माना इतना गर्त में भी डूब जाना नहीं है कि आप ऊपर संभल भी ना सको. राइट, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस. राइट, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं. राइट, सो ये होता है. और दूसरे देखो यार, अगेन लाइक लेट्स से लॉस ऑफ लव्ड वन होता है तो हम डाउन हो जाते हैं. देखो लाइक रिसेंटली अभी वो पाकिस्तान में बॉम्ब फूटा. मे गॉड ब्लेस द सोल्स, जो सोल्स है जिन्होंने लाइफ गंवाई है, हमारा दिल उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है. और जो लोग है जो इंजर्ड हुए हैं, उनके साथ भी हमारे दुआएं हैं. जो फैमिली मेम्बर है कि जिस के फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने लॉस किए और लाइफ लॉस की हुई है, जिस जिसके फैमिली मेम्बर ने, और जिसके फैमिली मेम्बर इंजर्ड हुए हैं, सो उनके लिए भी हम प्रे करते हैं. राइट, हाँ, तो ये सब बात है. एंड वही है वो बंदा जिसने बॉम्ब रखा होगा, बॉम्ब बनाया होगा. राइट, वो बंदे वो मोटिवेट है डिस्ट्रक्शन करने के लिए. राइट, मगर
वो मोटिवेट बने वो यू नो दुनिया पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए और दूसरे कंट्री को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए और अपने कंट्री जो भी कंट्री हो यार यू नो ऐसा नहीं है कि भाई यू नो बॉम्ब ब्लास्ट ओनली पाकिस्तान में ही होते हैं यू नो थ्रेट ऐसी ओनली पाकिस्तान में ही होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में होती है। आतंकवाद और टेररिस्ट ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है, मगर फिर भी यार ये दुनिया में लोग जिंदा है, ये दुनिया में अभी वो कायनात जिंदा है, खोमे जिंदा है, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, राइट? और बहुत सारे अच्छे लोग आए अपना पाथ लोगों से बतना के यू नो चल दिए, लाइक से मोहम्मद साहब यू नो मे बी पीस ऑफ पानी लाइक मोहम्मद पैगंबर और बुद्ध और जीसस और लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा और यू नो बहुत सारे से अश्रु जरथुष्ट और वाहे गुरु जो भी राइट यू नो आए अपना जो रूहानियत का काम था वो करके चल दिए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, राइट? एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यू नो कैनेडी ब्रदर्स और यू नो राइट बेनजीर भुट्टो और जो भी मन आपका आइकॉन हो, राइट? मोदी जी और जो भी मन, राइट? समझे ना मेरी बात, राइट? ओके, डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन साउथ एशिया एंड कैनेडा? यस यार, पहले तो यार मदर मदरलैंड एंड मदर टंग ये तीन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आदमी जहाँ भी हो ये तीन को भूल गया माने अपने जड़ों से उखेड़ टूट गया। सो डेफिनेटली ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, और जो भी आपका कंट्री है ईस्ट और वेस्ट आपका कंट्री इज़ द बेस्ट आपके लिए। हाँ, बिकॉज जो बचपन हमने गुजारा है वो बचपन के दिन डजंट मैटर, वो अप्स वाले हो डाउन वाले हो, मगर यार यू नो बचपना बचपना होता है, बचपन बचपन होता है, बचपन के दोस्त होते हैं, बचपन की शरारतें होती है, वो हमारे गांव का वो जो पहली बारिश का वो आना, वो अपनी माटी का वो सुगंध फैलाना पूरी यू नो पूरी गाँव में अलग होता है। वो मेरे गांव के दो टेम्प मेरे स्ट्रीट के वो टेम्पल थे, वो टेम्पल में जाना अलग था। वो मेरे गांव में छोटे बड़े 100 टेम्पल्स थे, गांव का बड़ा टेम्पल हालांकि वो मुस्लिम देवी का टेम्पल है, धोलमा का टेम्पल है, वो टेम्पल पे जाना अलग था। हमारी भैंस और गांव वालों की भैंस वो बफलो होती है वो दूध नहीं देती थी तो वो मना धोलमा का नाम देते थे और विद इन कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ आवर्स वो दूध देना शुरू कर देती थी। अब वो फेथ था और आई नो मेरे अंकल मेरे को मालूम है, मेरे अंकल वो पहली दफ़ा वो वीज़ा लेने के लिए अमेरिका गए, वो अमेरिका के वीज़ा लेने के लिए वो मुंबई गए, तो मैं उनके साथ वो टेम्पल था छोटा था उस वक्त टेम्पल वहाँ गया, मेरे गांव का टेम्पल और बहुत सारे वो गांव के दोस्तों के साथ, और उन्होंने मेरे को कोकोनट का वो ट्री होता है आप फ्रूट होता है नारियल हम गुजराती में बोलते हैं, उनको वो वधेरने के लिए माता के सामने वो फोड़ने के लिए दिया। तो जैसे हमने फोड़ा तो उसमें से एक छोटा सा बीज निकला, जनरली ऐसा बीज वो नहीं दिखाई देता है वो कोकोनट के वो फ्रूट में, मगर उस फ्रूट से निकला, राइट? और जैसे ही निकला मेरे अंकल ने बोला, मेरा पेट नेम राजू है, मेरे अंकल ने बोला है वो अभी भी एग्जैक्टली वो मेरे को वर्ड सेंटेंस याद है कि राजू आपने वीजा मरी गया, मीन्स राजू आई एम गोइंग टू गेट वीजा बाय गॉड ग्रेस। एंड वो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो आई डोंट नो एक आध दो कक्षाएं पढ़े होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मगर उनको वीज़ा मिल गया। और नॉट ओनली दैट, वो जाने के बाद अमेरिका वो अपना फैमिली को लाए, दो बेटे को लाए, दो बेटों ने शादी बनाया तो उनकी वाइफ्स आ गई, उनकी बेटियाँ आ गई और बहुत सारे यू नो लोग आ गए, राइट? तो ये बात है। ओके, सो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग नियर पाकिस्तानी एंड इंडियन हार्ट टुगेदर सो दैट ओल्ड डेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट ब्रिंग बैक। बढ़िया सवाल पूछा है जमीर भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आप फेसबुक लाइव कीजिए यार, यू नो लेट से 500 दोस्त बनाए यार, यू नो मेरे मेरे इंडियन फ्रेंड ले लीजिए आप, 500 दोस्त बनाए यार, यू नो उनके साथ गपशप करें यार, फेसबुक लाइव करें यार, यू नो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार उसके पास भी हार्ट है, उसके पास भी दिल है,
यू नो, और वो भी यार बिरयानी खाता है, वो भी यार यू नो मूवीज़ देखता है, बॉलीवुड की मूवीज़ देखता है, जैसे आप भी बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो यार, यू नो उसके भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं, वो भी अपने देश के लिए कुछ कर यू नो जाना चाहता है, वो भी दिल में वही रखता है कि यार यू नो वो दुनिया मिटे यार, यू नो वो भी तो बस वही है यार, यू नो सो शुरू हो जाए। रियान अल्लाह वाला भाई के भी फेसबुक पे आप ने 500 दोस्त बनाए यार, तो वो लैपटॉप आपको देते हैं, राइट, ओके। एंड बहुत सारे आपको आइडिया बहुत आएंगे, माना हमारे और बहुत सारे अच्छे 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 वो फेसबुक पे वेरी एक्टिव लीडर्स है सोशल मीडिया पे, रियान अल्लाह वाला भाई है, तकवा अहमद है, देखो यार वो राबिया जी है, तकवा के फादर है अहमद भाई जान है, और बहुत सारे लोग हैं माना, यू नो आई जस्ट नेम फ्यू ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया में भी माना स्वामी जी, स्वामी विश्वानंद है, राइट, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो उसके साथ गुफ्तगु करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार यू नो वही देखो यार, थैंक गुडनेस मेरे को अल्लाह ताला ने रेहान अल्लाह वाला पे दिए, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम फ्रंट ऑफ यू, सही बात है ना। तो आपको आपका रेहान अल्लाह वाला भी मिल जाएगा, राइट, मगर आप अपना दिल शेयर करते रहिएगा, ओके। और वो एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि आई थिंक मेरे ख्याल से स्वामी जी थे, स्वामी विश्वानंद थे, और सामने पाकिस्तान का बंदा था और इंटरव्यू ले रहे थे, ये बंदा आई थिंक मेरे ख्याल से स्वामी जी का इंटरव्यू ले रहा था, और उसने आई थिंक या सरफराज भाई थे, सरफराज भाई एक्चुअली थे, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू ले रहे थे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। सो देन उन्होंने वो एक स्टोरी की, कोई भाई ना बचपन में उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी थी कि यार दो बकरियाँ थी, वो एक पुल से यू नो एक सामने आमने सामने से आ रही थी, पुल बहुत ही छोटा सा था कि यार यू नो एक ही